तो दोस्तों पार्ट टू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज एचपी पैंती वाला। तो दोस्तों जीवन का आधार प्रेम है, तो सभी निस्वार्थ भाव से प्रेम करते रहिए और एचपी पैंती वाले के ब्लॉग देखते रहिए। तो दोस्तों अभी हम आए हैं शाहगांव में, यहां पर कोई कंडा नाग देवता आए हैं। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं शाहगांव में, तो हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क कर ली है, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। तो दोस्तों हम लेट हो चुके हैं बिकॉज हम दुरहा गए थे, वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड मिल गए तो उनके साथ कुछ देर बैठे थे। तो दोस्तों जो कोई कन्हैया नाग देवता है वो भी गांव में पहुँच चुके हैं, तो दिखाते हैं आपको। सो गाइस आई थिंक सो मैं यहाँ पर टाइमली पहुँच चुका हूँ बिकॉज 2 मिनट या 4 मिनट पहले देवती को यहाँ पर नृत्य के लिए नीचे निकाला है। और दोस्तों जो देवभूमि कुल्लू में है, जो यहाँ के देवी देवता होते हैं उनके जो नृत्य बहुत बहुत मनमोहक नृत्य होता है यहाँ के देवी देवता, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रथ होते हैं यहाँ के। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो कुईकंडा नाग देवता का बहुत चौड़ा रथ है, तो देवती को चखने के लिए 4 आदमी चाहिए होते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं जब 2 आदमी देवती को नचाते हैं तो बहुत बहुत मतलब कि जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था बिकॉज कहीं देवता नीचे ना गिर जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो श्रद्धालु लोग हैं, खासतौर पर यहाँ पर जो लेडीज़ हैं और जो यहाँ पर लड़कियाँ हैं, बहुत संख्या में यहाँ पर अभी उपस्थित। तो दोस्तों आमतौर पर देखा जाता है कि जो गाँव की जो लेडीज़ होती है और जो गर्ल्स होती है वो जो देवता का जो डांस होता है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, यानी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा रखती है जो देवी देवता हैं यहाँ के। तो दोस्तों जब कभी भी देवता जो है गांव में आते हैं तो जो 3-4 टाइप का जो डांस होता है उसको प्रदर्शित किया जाता है, और उसके बाद जो देवता को होता है जो स्थान सुनिश्चित होता है वहाँ पर बैठा दिया जाता है, और जो बाकी लोग होते हैं जो देवता के साथ आए होते हैं और उनके जो रात्रि विश्राम की जो व्यवस्था की जाती है। कौन से माता दी आपको बताओ? ये देखो कहा एक ही। हाँ, एक ही। तो दूसरे एंडू वाला ये वाला भाव, ये वाला किसने आपको दिया? ये दोनों साइड के अंदर वहां देखो, वहां कौन है, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ पर? हाँ जतिन कौन है वहाँ पर? वहाँ देखो वहाँ तकिए के नीचे कौन है, कौन है तकिए के नीचे? हाँ दिख रहे हैं अभी भी तकिए के नीचे। तो दोस्तों अब देवते के साथ जो आए हैं लोग तो उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था की जाएगी, तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार की जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ नया देखने को मिला, यहाँ पर जो देवते के साथ आए हैं जो श्रद्धालु लोग आए हैं तो उन्होंने क्या किया होता है, जैसे रात्रि विश्राम की व्यवस्था के लिए यहाँ पर कुछ नई तकनीक अपनाई जाती है, यानी जो लोग हैं तो उनको कुछ यानी पहचान रखनी पड़ती है वहाँ पर, यानी कोई डंडा रख दिया या फिर कुछ भी रख दिया, गाड़ी की चाबी रख दी एंड सो ऑन, कुछ भी रख लिया, तो जो यहाँ के जो गांव के लोग हैं तो वो पिक कर लेते हैं जो भी वहाँ पर सामान इकट्ठा हुआ होता है और वो पिक कर लेते हैं, और जिसका वो सामान हो तो वो उसका मेहमान बन जाता है उस रात के लिए। तो ये बहुत 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 हार्ड प्रथा है, यहाँ की बहुत हार्ड कल्चर है। तो दोस्तों यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में इस प्रथा को पोगल कहते हैं, तो बहुत बढ़िया कल्चर है, तो बहुत हार्ड प्रथा है ये। तो आई होप सो गाइस आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एचपी पैंती वाले यूट्यूब चैनल को। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए जय शंकर, जय भोलेनाथ।